हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ जय माता दी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी इसलिए क्योंकि फाइनली माता जी का बुलावा आ चुका है। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो के दरबार में। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हुए हम लोग चलेंगे जम्मू तक की हमारी ट्रेन है। हमारी जो ट्रेन है 2:20 पर है और हमारी जो ट्रेन है यहाँ से डायरेक्ट जम्मू तक के लिए है। जम्मू से बाया करके हम लोग बस के थ्रू जो है कटरा पहुँचेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो ब्लॉग में प्रॉपर बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें और ब्लॉग को पूरा देखें और पूरा मज़ा लें। इस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन बस 2-4 में निकलने वाली है, तो मिलते हैं आगे। गाइस 7:30 हो रहा है और हम लोग इस समय लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी बाहर निकले हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग चाय ढूंढ रहे थे और चाय किस तरीके का, जो डीप वाली चाय नहीं चाहिए थी, है कि नहीं थी वहाँ? हाँ, लेकिन डीप वाली ही चाय यहाँ पे मिल रही है, तो अपना मूड तो हो चुका है ख़राब है फिलहाल। और निकलते हैं, ट्रेन के रन करने का टाइम भी हो रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट। और अभी सुबह के 10:57 हो रहे हैं, हमारी ट्रेन ऑलरेडी 2 लेट हो चुकी है। तो मैंने सोचा यहाँ पे 2 का स्टॉपेज है तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी की पावरफुल मशीनें खड़ी हैं। नहीं, मांगने का तो ले ही नहीं था ना, मांगने का कहाँ ले रहे। अच्छा अजर। हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं इस समय हूँ जम्मू के कटरा में और हम लोगों ने कटरा में त्रिकुटा भवन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना कमरा बुक कराया हुआ है। यहाँ पे 2-3 का रेस्ट होगा, देन उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ बैक साइड। और यह बैक साइड का सीन, माँ जगदम्बा माँ शेरावाली का स्थान पूरी तरीके से बादलों से ढका हुआ है। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये शायद अर्धकुमारी है, तो हाँ ये रहा, ये शायद अर्धकुमारी है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा भी रहेगा पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखो आप लोग। पूरे वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिजिटल यात्रा कराया जाए। डिजिटल इंडिया में हर एक चीज़ डिजिटल हो रहा है, जिसकी वजह से आज का यात्रा भी डिजिटल होगा। तो प्लीज़ कॉन्टिन्यू वीडियो बने, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जय भवन गेट में हम लोग की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे भक्तों का ताता शुरू हो चुका है। और आज हमारी ये पूरी 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 हमारी टीम है। हम लोगों ने नए रास्ते को नहीं चूज किया है, पुराने रास्ते पे चूज किया हुआ, क्योंकि शायद ऐसा सुना हुआ था कि नए रास्ते पे जो है ना भीड़ भाड़ नहीं होगा, रास्ता पूरा क्लीन होगा, लेकिन जो असली इंजॉयमेंट है ना वो पुराने रास्ते पे। तो एक्चुअली हम लोग पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं। जय माता दी। तो गाइज यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है ये 24 भंडारा चलते रहता है, तो ये भंडारा बिल्कुल फ्री है। तो जो भी भक्तगढ़ यहाँ पे आए, यहाँ पे भंडारा का जरूर सेवन करे, जरूर आनंद ले भंडारे का। बोलो जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे जगह जगह फोटोग्राफी करने के लिए वैष्णो देवी के स्वरूपी दुकानों का डेकोरेशन हो रखा है। तो ये हमारे बड़े भैया हैं मोनू जी, तो मोनू जी से हम एक बार ये पूछना चाहेंगे, इनका तो काफी एक्सपीरियंस है वैष्णो देवी आने का। तो अभी फिलहाल हम लोग 500 मीटर समथिंग आए हैं, तो भैया क्या हाल है, अभी क्या पोजीशन है आपका, ये बताइए। हाँ, अभी तो पूरी चढ़ाई बाकी है। और ये मोनू भाई कहाँ रहेगा भाई? ये हमारे दो भाई, ये हमारे बड़े भाई मोनू और ये मेरा छोटा भाई हर्षु, सुंदर एक नंबर का। बोलो जय माता दी। माँ बेटी का तो हालत बुरी तरीके से खराब है भाई, नहीं कोई खराब है ना, तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। मानो जय माता दी। आ जा
दोस्तों तकरीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है और अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। हाँ बस ये है कि पूरी बॉडी पसीने से गीली हो चुकी है, लेकिन जय माता जी का नाम बोल रहे हो और आगे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हो। माता की कृपा अपरंपार है भाई, ये हमारे बाबा जी रायपुर से आ रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अवस्था इनकी बहुत ही ज़्यादा उम्र की है, लेकिन फिर भी जय माता दी जय माता दी। बाबा के जोश की जो है मतलब क्या कहना है कि भाई इस उम्र में भी पूरी बॉडी झुक चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे बाबा जय माता दी का नारा लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा आगे भी चलेंगे, है ना, आराम करिए, पानी पीजिए, फिर आगे बढ़िए धीरे धीरे। और हमारे 2-3 साथी आ चुके हैं यहाँ पे भी, काफी ये लोग पीछे थे। क्यों इतना टाइम लग गया भैया? सब लोग आगे निकल गए, आगे हैं। अच्छा फोटो खींचे। ओ भैया जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ओ बाबा जय माता दी। माता वैष्णो के दरबार में जाने से पहले एक अद्भुत ही मंदिर का दर्शन हो गया। जय माता दी। जो असमर्थ है चलने में उनके लिए पालकी का भी व्यवस्था है और जो समर्थ है उनके लिए भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। प्राचीन चरण पादुका मंदिर थोड़ी दूर, तो देखते हैं कितनी दूर पे मंदिर है। आधे ग्रुप के लोग यहाँ पे मौज कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई। थक गए क्या भाई लोग? संजय भाई क्या हवा निकल गया भाई? देखते कितना बढ़िया लेमन सोडा बनता है। वो वाला बोतल मुझे दबाने के लिए दीजिएगा। सॉलिड था यार। एक्चुअली ना चल चल के थक जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो लेमन सोडा जरूरी है ना, एनर्जी भी रिकवर करेगा और थकान भी दूर करेगा, तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये। प्रथम चरण पादुका मंदिर, पहला चरण पादुका होने के कारण यहाँ पे काफी लोग रुकते भी हैं, माता का दर्शन करते हैं और यहाँ पे विश्राम भी करते हैं, तो अभी भी भक्तगढ़ यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं चलते चलते काफ़ी आगे निकल गया था, फिर मुझे याद है कि मेरे बड़े भैया पीछे रह गए, तो बड़े भैया अभी यहाँ पे मिल चुके हैं। बड़े भैया कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता कि शायद पहली बार आप ही आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। फिर भी हिम्मत बिल्कुल 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 माता रानी का एकदम कृपा हम लोग के ऊपर है और हम लोग फड़ लेते थे ऊपर चले। जय माता दी जय माता दी। हमारे साथ कुछ माता लोग भी मिल गई हैं और बोल रहे हैं जय माता दी। जयकारा लगाया जा रहा है। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सच्चे दरबार की जय। माता जी का जयकारा लगाया जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ने डंडों का सहारा ले लिया है। कमान 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 दौड़ 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 दौड़। लग रहा है जनाब को भी काफी थकावट हो चुकी है, बड़े ही शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। और जनाब क्या हुआ, थक गए हैं क्या? ओए अरे बोल दो भाई, काफी थके हुए हालत में है ये। खैर कोई बात नहीं। ओए जय माता दी। अरे बड़ा खफा है यार, नाराज है ये तो। जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जय माता दी।
यार एक्चुअली यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये सीढ़ी की तरफ से जाता है और दूसरा रास्ता ये पैदल जाता है। तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है इन सीढ़ियों की संख्या 360 है, हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वह इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। यार हम सीढ़ी का रास्ता न तय करके पैदल रास्ता ही अपनाएंगे क्योंकि हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, तो बाकियों का भी ख्याल रखना है। और यार एक्चुअली ना अभी जाकर थोड़ा सा ना हरासमेंट हुआ है, तो इधर हम लोग ना दो चार मिनट के लिए बैठेंगे, कुछ लोग आगे रुके हैं कुछ पीछे रुके हैं, तो कुछ लोगों का मैं वेट भी कर रहा हूँ, तो वो लोग इधर आ जाते हैं तब तक मैं पानी पीने के लिए यार रुका हुआ था। तो यहाँ पे वाटर पम्प लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर लोग वाटर कैरी करना चाहते हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है, बाकी जो नहीं कैरी करना चाहते उनके लिए जगह जगह ना पम्प सेट लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी का, और आरओ का फिल्टर का पानी है, ठंडा पानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्चुअली क्या है ना कि हुआ ऐसा कि अगर अर्धकुमारी हम लोग जा रहे हैं ना पैदल, तो शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी लगता है, हमारे कुछ शेर हमारे पीछे भी हैं। तो जय माता दी, हम सभी ने ये प्रण लिया कि आज 526 सीढ़ी क्रॉस करते हुए जो है ना एक टारगेट बनाया हम लोगों ने कि 526 सीढ़ी पार करेंगे और सीधा अर्धकुमारी पे मिलते हैं। तो बोलो भाई जय माता दी। चलो चढ़ने का तो ले लिया था, फिर कोई बात नहीं, चढ़ तो रहे हैं, हालत खराब हो रहा है। जय माता दी का नाम लेते लेते क्रॉस कर लेंगे। जय माता दी। हाँ हाँ एक यार थैंक यू। जय माता दी। थैंक यू। यार एक्चुअली क्या सीढ़ियों का ना रास्ता थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी कम कर देता है, और हम लोग तकरीबन 20 मिनट से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। यार अपने आप को ना टारगेट पे टारगेट दिए जा रहा हूँ, 526 सीढ़ी तो क्रॉस किया, उसके बाद थोड़ा सा पैदल चला, उसके बाद से वापस से सामने दिखा 56 स्टेयर और चढ़ना था, तो मैंने वो टारगेट भी कंप्लीट करा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा ना तो अर्धकुमारी के लिए, अभी मेरे को आइडिया नहीं कि ये लास्ट है या फिर कितना है, लेकिन 271 स्टेयर और है, तो मैं समथिंग 50 स्टेयर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं वापस आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। आगे चल के देखते हैं तो क्या होता है। गाइस अभी 28 हो रहा है और हम लोग यहाँ आधे घंटे पहले पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी सागर रत्न रेस्टोरेंट का, वहाँ हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ से हम अर्धकुमारी की तरफ चलते हैं। देन उसके बाद जो है अर्धकुमारी का दर्शन अगर मिल गया तो अच्छी बात है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम जो है अभी सारे लोगों ने खाना अपना कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, और चलते फिर मिलते हैं फिर अर्धकुमारी। गाइस हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी पे, और यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा होगा गर्भजन गुफा का रास्ता। तो हम लोगों ने यहाँ से वेटिंग का टिकट लिया हुआ, हम लोग का 687 नंबर है, और अगर अभी थोड़ी देर में हो जाता है तो हम लोग अर्धकुमारी का भी दर्शन कर लेंगे,
और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग रिटर्न आते समय चढ़ाई करके जब आएंगे माता वैष्णो का दर्शन करने के बाद, तो फिर वापस से यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो बोलिए भाइयों, जय माता दी, जय माता।